2014 के चुनाव ने ना सिर्फ देश की राजनीति को बदल कर रख दिया बल्कि देश की मीडिया को भी। अगर हम देवेगौड़ा के 11 महीने के कार्यकाल को अपवाद माने तो आज तक भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसे हम सही मायने में आउटसाइडर कह सकते हैं। फिर आए नरेंद्र मोदी। ना तो ये दिल्ली के थे और ना ही दिल्ली की मीडिया की भाषा बोलते थे। मीडिया हमेशा से नेताओं और जनता के बीच संवाद का एक जरिया रही है, परंतु मोदी जी ने चुना रेडियो और सोशल मीडिया को और भारत में मीडिया के अस्तित्व को पहली बार शायद तभी झटका लगा था। कांग्रेस एरा के ज्यादातर दिग्गज पत्रकार 2016 आते आते या तो बेरोजगार थे या फिर बिल्कुल बेअसर। उस पर से मोदी जी की सरकार भी निकली ईमानदार। मिनिस्टर्स की तो क्या बात, सांसद और विधायक तक बेदाग निकले। न्यूज और मुद्दों के अभाव में मीडिया ने तूल देना शुरू किया बेकार के फसादों को, जैसे अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, इंटॉलरेंस और ऐसे ही कई और बेसिरपैर के विषय। असहिष्णुता पर शाहरुख खान के बाद आमिर खान की टूटी चुप्पी ने एक बार फिर बड़ी बहस को हवा दे दी है। आमिर ने भी शाहरुख की तर्ज पर देश में असहनशीलता का मुद्दा उठाया है। Another Dalit MP of the BJP in Uttar Pradesh has written to Prime Minister Narendra Modi flagging what he calls discrimination against Dalits in the state. Ashok Kumar Dohre, the MP from Itawa, has questioned a series of arrests of Dalits after Monday's violence in Western UP during protests by the Dalit community. और इसका असर ये हुआ कि वो पत्रकार जिनकी शक्ति अपरिमित थी और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उनकी पहुंच नहीं थी, वो आज बेअसर थे, बेकार थे, बेरोजगार थे। लेकिन अब उम्मीद की किरण जागी है। एक नया न्यूज चैनल आ रहा है जिसका नाम है HW न्यूज, यानी कि हार्वेस्ट न्यूज। मोदी काल में जितने दिग्गज पत्रकार बेरोजगार हुए हैं, जैसे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ इत्यादि, इनमें से ज्यादातर यही हैं। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। इस चैनल की फंडिंग कांग्रेस के कुछ नामी गिरामी नेता कर रहे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख नाम है श्रीमान कपिल सिब्बल का। लेकिन ये चैनल भी औंधे मुंह गिरेगा, क्योंकि आप किसी एक पार्टी के विरोध में राजनीतिक गठबंधन तो बना सकते हैं, लेकिन एक पार्टी के विरोध में एक पूरा चैनल खोलना बेवकूफी है, क्योंकि जनता आंख पे पट्टी बांध के नहीं बैठी। दूसरा ये कि चुनाव के 3 महीने पहले चैनल लॉन्च करना और भी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि किसी भी नए ब्रांड को एस्टैब्लिश होने में कुछ तो समय लगता ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस महागठबंधन सरीखे न्यूज़ चैनल का पूरा कॉन्सेप्ट ही हास्यास्पद है। ऐसे लोग नए वोटर्स को कांग्रेस के लिए कन्वर्ट कर पाएंगे ये तो पता नहीं, पर भाजपा समर्थकों को एकजुट ज़रूर कर देंगे।